और इस वक्त एक और बड़ी खबर गुजरात से आपको दे दें। गुजरात में आपको बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत भाई भयानी 2017 तक बीजेपी में थे। वो जूनागढ़ जिले के उपाध्यक्ष बने हैं। भाजपा ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में सरपंच पद से निलंबित कर दिया था। इसके बाद वो फिर से पार्टी में शामिल हो गए। इस बार उन्होंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था। गुजरात में आपको बड़ा झटका लगा है। आप विधायक बीजेपी में एक बार फिर से शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर उस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ा झटका आपके लिए। यहां पर ये बता दें आपको, गुजरात चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बंपर जीत भी से बीजेपी ने हासिल की और उसके बाद ये बड़ा झटका आपको, गुजरात में आपको ये बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत भाई भयानी 2017 तक बीजेपी में थे। वो जूनागढ़ जिले के उपाध्यक्ष भी थे। भाजपा ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में सरपंच पद से निलंबित कर दिया था। गुजरात में शनिवार को बीजेपी विधायक दल ने अपनी अहम बैठक की, जहां विधायक बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। विधायकों को अपना नेता चुनना था। बैठक में सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लगा दी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल सबसे पहले दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक के दौरान पटेल ने पीएम और अमित शाह के साथ मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की। 12 दिसंबर को सीएम पद के लिए पटेल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। लेकिन भूपेंद्र पटेल ने विधायक दल का नेता चुनने के तुरंत बाद सबसे पहले यूसीसी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कमेटी बना दी गई है और रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भूपेंद्र जी, आपके घोषणा पत्र में और आपके नेताओं ने बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अब आपकी सरकार बनी, विधायक दल का नेता चुना गया, शपथ ग्रहण के बाद क्या पहली कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को लेकर आया जाएगा? नहीं, वो तो बना दिया गया ही। हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। 27 साल से मजबूती के साथ खड़े गुजरात के किले को न सिर्फ बीजेपी ने इस बार बचाया बल्कि उसे अब इतना मजबूत कर दिया है कि वहां सेंध लगाने के लिए विपक्ष ही नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हिमाचल से सामने आ रही। हिमाचल प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला बयान देते हुए कहा कि वो राज्य में 10 गारंटी को लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 5 साल के जनादेश मिला है और पार्टी अध्यक्ष के साथ मिलकर योजनाओं पर चर्चा करेंगे। कैबिनेट विस्तार के बाद इसे लागू किया जाएगा। 5 साल के लिए जनादेश मिला, ये सुक्खू की तरफ से कहा गया। और हाँ भी, उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है और उसके बाद उनका ये बड़ा बयान सामने निकल के आया है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू शपथ ग्रहण के बाद उनकी तरफ से जो बयान आया है वो हम आपको बता रहे हैं। 10 कारण बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।